हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं खुशहाल डागर। तो भाई आज बात करते हैं अपनी हुंडई वेन्यू के बारे में। तो भाई ये इंडिया की फर्स्ट कनेक्टेड कार थी हुंडई वेन्यू, जो कि जिसमें मतलब कनेक्टेड फीचर्स आए थे कि फ़ोन से स्टार्ट हो जाएगी, फ़ोन से ही सब कुछ हो जाएगा। तो आज उसके बारे में बात करते हैं भाई। तो इसमें दिखाते हैं भाई क्या क्या कनेक्टेड फीचर्स आते हैं। तो भाई एक तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन आता है DRM का। ये तो भाई अपना कैमरा ऑन हो जाता है, दिखा देता हूँ आपको। तो भाई जैसे अब मैंने हैंड ब्रेक नीचे करा तो इस पर क्लिक करेंगे तो कैमरा ऑन हो गया इसका। ठीक है भाई, बात करते हैं ब्लू लिंक की। तो भाई ब्लू लिंक में इसमें आता है सेंड टू कार, शेयर डेस्टिनेशन, व्हीकल डायग्नोस्टिक्स और ब्लू लिंक सेटिंग्स। तो भाई सबसे पहले सेंड टू कार ओपन करते हैं। इसमें ये है कि भाई अभी तक मतलब फ़ोन से भी कोई कमांड सेंड नहीं कर रखी कार पे, मतलब नेविगेशन कोई सेंड नहीं कर रखी। डेस्टिनेशन पे करते हैं तो भाई डेस्टिनेशन भी फ़ोन से ही सेट होगी। ठीक है, और व्हीकल डायग्नोस्टिक्स पे जाते हैं तो भाई अपनी ये प्रोसेस हो रहा है। तो इसमें लिखा गया नो इशू फाउंड, अगर कोई गाड़ी में कोई भी इशू है तो ये डिटेक्ट कर लेता है कि क्या इशू है, यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, बात करते हैं ब्लू लिंक सेटिंग्स की। तो सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो इसमें आ रहा है भाई 16/6/2022, मतलब 16/6/2022 को मेरी ब्लू लिंक एक्सपायर हो चुका है। पर ये भाई हुंडई के हम हैप्पी कस्टमर हैं तो उन्होंने हमारी ब्लू लिंक डेट एक्सटेंड कर दी। ठीक है भाई, एक्सटेंड क्यों करी भाई, मेल आया था मेरे पास कि एक्सटेंड होगी, अपने आप करिए भाई, मैंने कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करा इसके लिए, ये गाड़ी के वो आगे 6-6 नंबर वगैरह। तो बात करते भाई अपने ब्लू लिंक के फीचर्स की। तो भाई मैं बात करते अपनी ब्लू लिंक की। तो भाई फ़ोन में इसमें दिखा रहा भाई 319 किलोमीटर की रेंज फ़ोन में दिखा रहा भाई, ये अपनी 322 की रेंज। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, क्या पता अपडेट हो जाए। तो पिन डाल दिया भाई, ये अब इसमें लिखा आ गया द इंफॉर्मेशन विल बी एंटर्ड फॉर 10 मिनट, मतलब जो हमने पिन डाला है वो 10 मिनट तक अवेलेबल रहेगा। तो भाई इसमें आ गया रेंज होगी 319। तो भाई बिल्कुल एक्यूरेट रेंज दिखा रही है 319 किलोमीटर। बात करते हैं इसकी लॉकिंग स्टेटस। तो अनलॉक है कार, अभी देख सकते हो आप अनलॉक है भाई। क्लाइमेट की भाई एसी भी ऑन है गाड़ी का, देख सकते हो बिल्कुल ठीक है। इसकी दिखा रहा है भाई कि अदर डोर क्लोज है, बोनट क्लोज है, बूट क्लोज है। तो इनकी और देखते हैं क्या पता शो कर दे। तो भाई मैंने ड्राइवर साइड डोर ओपन कर दिया, देख सकते हो आप। तो इसका बोनट और कर देते हैं ओपन, तो बोनट का इसमें शो कर रहा है और ड्राइवर साइड डोर का कर रहा है। तो अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो रिफ्रेश कर दिया भाई ये, तो आ गया भाई इसमें देखो डोर का आ रहा है, डोर ओपन ये आ गया। इसमें छपा भी एनिमेशन भी काफ़ी अच्छी आ रही है कि इसका बोनट भी खुल रहा है और ड्राइवर साइड डोर भी खुल रहा है, और यहाँ पे भाई ओपन लिखा गया बोनट का और डोर का। बात करते व्हीकल हेल्थ रिपोर्ट की। तो इसमें आता है भाई कि कितनी बार स्टार्ट हुई है गाड़ी और टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा है। तो इसमें भाई ये एयर फिल्टर, कैबिन फिल्टर, इंजन कूलेंट, इंजन ऑयल, फ्यूल फिल्टर, ये टायर रोटेशन, ये सब के आ रहे हैं। ये ऐप से ही रीसेट करने पड़ते, कंपनी वाले कर देते हैं सर्विस पे। तो इंजन स्टार्ट ये इतना आया भाई, टोटल ड्राइविंग टाइम 3 घंटे, ये आज का दिखा रहा है, नहीं आज का तो नहीं है, मतलब पूरे महीने का दिखा रहा भाई ये, मतलब 7वें महीने में, देख सकते हो आप 7वें महीने में कितनी बार गाड़ी स्टार्ट हुई है और कितने किलोमीटर चली है। तो और टोटल आइडल टाइम मतलब 3 घंटे 9 मिनट और ड्राइविंग टाइम है भाई 3 घंटे, तो मतलब 9 मिनट एक्स्ट्रा खड़ी रही है स्टार्ट ये। और बात करते हैं भाई और क्या फीचर है इसमें, और तो भाई इसमें नॉर्मल आ रहा है, बूट की क्लोज दिखा रहा है, बूट डिग्गी बंद है इसकी। और होम पे जाते हैं, होम पे ये आ गया भाई 319 किलोमीटर अपडेट हो गई है। लॉक अनलॉक ये लाइट हॉर्न, तो एक बार लॉक और करके देखते हैं भाई इसको। तो गाड़ी को बंद कर देते हैं, ये गाड़ी होगी बंद अपनी। तो चाबी तो अभी इसके अंदर ही है ये रखी, तो एक बार लॉक करके देखते हैं चाबी अंदर है, जब भी लॉक होती नहीं होती। तो लॉक हो चुकी है भाई, देख सकते हो आप बोनट का ऑप्शन आ रहा है कि भाई वो खुला हुआ है, चाबी अंदर है फिर भी लॉक होगी गाड़ी। तो इसको अनलॉक करते हैं, तो ये अनलॉक कर दी भाई, तो इंडिकेटर ब्लिंक करे और गाड़ी अनलॉक होगी। अब देखो आपको एक चीज दिखाता हूँ भाई,
गाड़ी अब भी लॉक होगी, अब मैंने मैनुअली करी, अब लॉक होगी। ठीक है भाई, अब इसको ऑन करते हैं। अब जैसे मैंने ये ऑन कर दिया, इसकी एसेसरीज पे अभी फिलहाल, अब लॉक करके देखता हूँ। अब भी होगी भाई, शायद स्टार्ट करने पे नहीं होती। देखो स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, फिर दिखाता हूँ आपको। तो अभी तो लॉक है, अनलॉक करके देखते हैं। गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, तो भाई स्टार्ट गाड़ी में, मतलब अगर जैसे आपकी गाड़ी में कोई बैठा है या फिर किसी ने चोरी कर ली, आपकी गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, चाबी उसके पास ही है, तो आप लॉक अनलॉक कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ये भी क्लियर होगी। बात करते हैं इसके मैप की, तो मैप में भाई इसी से लोकेशन भेज देते हैं, कहीं की भेजनी हो तो। माई ट्रिप भाई, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगता है इसकी, कि मतलब पता चल जाती है भाई। मैंने 2019 में ली थी ये गाड़ी, तो 2019 की भी डिटेल बता देगी कि कितने किलोमीटर चली है, कितनी टॉप स्पीड थी। तो भाई इसमें आता है आई टाइम, इतने मिनट गाड़ी चली है, और 92 किलोमीटर चली है भाई, और 16 की एवरेज स्पीड आई है, और टॉप स्पीड बता देती है कितनी टॉप स्पीड भागी है गाड़ी। तो जैसे कि अब मैं देखता हूँ 1 तारीख की, तो 1 तारीख में भाई अपना हो रहा है रिफ्रेश, सर्वर से डाटा लेता भाई सैटेलाइट से पूरा। ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी भाई हुंडई की, तो दिखा रहा है इतने इतने टाइम पे गाड़ी चली है, तो काफ़ी ज़्यादा तो रैंडमली इसको ले लेते हैं। तो ले ली, तो भाई इसने डिस्टेंस दिखा रही है, यहाँ से यहाँ तक चली है गाड़ी। तो ये अपना आ गया सोना सब डिस्ट्रिक्ट आ गया, और भाई ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा था उस टाइम गाड़ी ने, और टॉप स्पीड इसकी 99 किलोमीटर पर आ रही थी 1 किलोमीटर के अंदर अंदर। तो ये चीज़ भी दिखा देती है, 1 मिनट लगा था ट्रैवल डिस्टेंस। और नीचे देखो भाई आइडल टाइम, गाड़ी स्टार्ट भी एक्स्ट्रा तो खड़ी नहीं रही, स्पीड से ज़्यादा तो नहीं भगी, हार्ड ब्रेकिंग मतलब किसी ने खींच के ब्रेक तो नहीं मारे यार भाई, अपनी रैपिड एक्सीलरेशन मतलब तेज एकदम से पंजे धरा तो नहीं किसी ने। तो ये सब आ जाती है भाई इसमें ब्लू लिंक में, और तो कुछ नहीं है भाई इसमें, बस ये लाइट हॉर्न कहा जाता है। लाइट हॉर्न में मतलब लाइट ब्लिंक करेगी, पीप पीप करने लगती है गाड़ी, तो ये चीज़ मैं करना नहीं चाहता भाई अभी, क्योंकि बहुत इरिटेटिंग साउंड होती है वो। मैप में बात करते हैं, तो भाई ऐसा कुछ मैप आ जाता है इसमें गाड़ी की, इस पर करते हैं तो लाइव लोकेशन बता देता है कि गाड़ी अभी है कहाँ पे। तो ये कनेक्टिंग हो रहा है सर्वर से, शायद ये नहीं दिखाएगा, दिखा भी दे भाई कोई भरोसा नहीं है इसका, क्योंकि हैंड ब्रेक ऊपर है, अभी गाड़ी पार्किंग में है। तो दिखा रहा है भाई, देखो बिल्कुल घर की लोकेशन दिखा रहा है कि घर पे अभी गाड़ी, ये गाड़ी दिखाता है भाई जब स्टार्ट खड़ी रहती है ना, जब दिखाता है कि हाँ गाड़ी लाइव लोकेशन दिखा रहा है। और बात करते हैं इसकी, तो इसकी में दिखाता है भाई लास्ट लोकेशन कहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी। तो GPS अभी फ़ोन का बंद है, तो इसकी दिखा देगा भाई लाइव लोकेशन अभी गाड़ी कहाँ पे है। तो ये मैं दिखा चुका भाई आपको, और बात करते हैं आपके और तो क्या फीचर आता है इसमें। तो लाइव लोकेशन होगी ओपन, और इसमें आता है भाई हुंडई के डीलर पे जाना है तो इसी पे क्लिक कर दो। तो जैसे मैं इसमें सेटिंग ऑन ही कर देता हूँ, लोकेशन बंद कर रखी थी। तो जैसे डीलर पे जाना है तो अनेबल टू सर्च स्मार्टफोन लोकेशन, अच्छा तो अभी आ गई। अब जैसे डीलर पे करता हूँ भाई मैं, तो डीलर दिखा दिया नियर बाई ये हिमगिरी DM हुंडई JMV हुंडई ट्रिप हुंडई, ये आ गया भाई। और ईट एंड रेस्टोरेंट आ जाएंगे भाई इस पर, जैसे अभी ये है कीर्ति ढाबा है, तो इसको करता हूँ सेंड टू कार, ये कर दिया ओके। इसमें देखता हूँ भाई आता है नहीं आता, तो ये आ गया भाई देखो कुत्ती ढाबा है भाई ये, कीर्ति नहीं। तो इसमें जैसे मैं सेट एज डेस्टिनेशन कर देता हूँ, तो इसमें आ रहा है नेविगेशन नॉट अवेलेबल, तो शायद इसकी नेविगेशन कुछ जो यहाँ पे एक वो होती है इसमें दिक्कत आ रही है। ये दिखा देता हूँ आपको SD कार्ड, ये अब देखो मैंने रिमूव करा है तो आ गया। तो भाई ये SD कार्ड भी देखती है कंपनी जब गाड़ी लेते हैं हम, इस पर लिख रहा है भाई अपना वेन्यू, और भाई इसकी कुछ डिटेल लिख रही है अपनी, 16 GB का कार्ड है ये, सब इस पर लिखा हुआ है। इसको वापस डाल देते हैं, बहुत ईजी है भाई डालना और लगाना। तो भाई नेविगेशन में थोड़ी अभी दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए सॉरी। और बात करते हैं आपके,
और हाँ भाई, इसके अगर जैसे कई बार नेविगेशन चिप निकाल देते हैं हम, और जब गाड़ी को ट्रैक करते हैं तो हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी के अंदर ही GPS है। कभी मैं यही सोचता था पहले कि मतलब जो चिप है इसकी वजह से ही शो करता है वो, पर ऐसा कुछ नहीं है भाई, अपने हो जाता है। बात करते हैं मोर पे, तो इसमें अकाउंट सेटिंग्स आ जाती है, मेरी ईमेल आईडी आ गई, चेंज पिन, पासवर्ड वासवर्ड के बारे में आ जाता है। बात करते हैं व्हीकल एंड सर्विसेज की, तो इसमें भाई सब्सक्रिप्शन डेट आती है। तो भाई मैंने 2019 में ली थी गाड़ी, तो ये आ रही है 16/6/2019, ठीक है भाई। और व्हीकल सिलेक्शन में अपनी हुंडई वेन्यू ही आएगी, क्योंकि अभी एक ही गाड़ी है इन यूज़ ये लिखा रहा। और बात करते हैं माई ट्रिप्स के बारे में, मैंने बता दिया। अलर्ट सर्विसेज में आपकी जैसे जियो फेंसिंग करनी हो, वैलेट अलर्ट करना हो, स्पीड अलर्ट मतलब कितनी स्पीड पे होनी चाहिए, आपके पास अलर्ट आने लग जाएंगे फ़ोन पे, आइडल स्टार्ट तो नहीं है गाड़ी, ये सब आ जाते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं मेंटेनेंस अलर्ट की, तो इसमें भाई ये यहाँ से रीसेट हो जाता है भाई, वो जो एरर से आ रहे थे कि चेंज करवाने हैं। तो भाई ऐसा कुछ है, ब्लू लिंक के फीचर्स थे इसमें हुंडई वेन्यू को। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।